ग्लोबल चैनल एबीएस मिलता है, सो चलो गाइस ब्रेक टेस्ट लगा देखते हैं कैसा ब्रेकिंग बाइट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। विद पिलियन मैं टेस्ट करूंगा। ये जो क्वेश्चन आता है हर एक कस्टमर का कि हीटिंग इशू है या नहीं, एंड इस बाइक का ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, इन कोलकाता इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। थोड़ा लैग कर रहा है भाई, चल चल और थोड़ा चल। इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटर ब्लॉग। सो गाइस आप लोग कैसे, होप करते हो बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहे ना मेरे तरह। सो गाइस फाइनली देख पा रहे हो मेरे सामने खड़ी हुई है न्यू पोलर स्काई ब्लू N160 USD मॉडल। ऑलरेडी इस बाइक के ऊपर मैं रिव्यू वीडियो एंड राइड रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉमेंट आ रहा था आप लोगों से कि आप लोग देखना चाहते हो इस मॉडल के ऊपर एक माइलेज टेस्ट। सो मैं गाइस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से इस बाइक को टेस्ट करने वाला हूँ, इन सिटी कंडीशन हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर टेस्ट करने के बाद बताऊंगा कितना क्या माइलेज ये बाइक अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना। सो पहले गाइस सिनेमैटिक शॉट देख लो, फिर आप लोग से डायरेक्ट मिलता है मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। सो गाइस फाइनली देख पा रहे हो मेरे सामने खड़ी हुई न्यू बजाज पल्सर N160 पोलर स्काई ब्लू कलर। सो आज का हम लोग माइलेज टेस्ट करने वाले। सो इधर पे मैं पहले ओडोमीटर पर दिखा देता हूँ। सो जो ओडोमीटर है 1 किलोमीटर चला है, मैं और एक चीज आप लोग दिखा देता हूँ कि बाइक में एकदम ही फ्यूल नहीं है। सो बाइक में एकदम ही पेट्रोल नहीं है, अभी हम लोग करने वाले इस पर फ्यूल अप, देन देखते कितना किलोमीटर माइलेज ये बाइक दे सकता है। सो गाइस मैंने इधर पर ले लिया है 100 ml पेट्रोल जैसे आप लोग देख पा रहे हो। सो अभी हम लोग करने वाले इस पर फ्यूल अप। सो ये जो मशीन है गाइस E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करता है, 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी आप लोग राइड कर पाओगे। सो मैंने इधर पे कर लिया 100 ml पेट्रोल फ्यूल अप। सो चलो राइड करके देखते हैं कितना क्या माइलेज ये बाइक प्रोवाइड कर सकता है। सो चलो गाइस राइड करके देखते हैं, पहले ना किल स्विच को ऑन ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि फ्यूल पंप पे पेट्रोल जाना ज़रूरी है। सो फाइनली गाइस बाइक जो स्टार्ट हो चुका है, ओडोमीटर है 1 किलोमीटर एंड ट्रिप बी को हम लोग कर रहे हैं इधर पर 0। सो ट्रिप भी 0 हो चुका है एंड मेरा हाइट है 5.10 फीट, दोनों तरफ पैर में इजिली पहुंच रहा है एंड गोप्रो मोड पे आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुना दे रहा हूँ। सो ऐसा कुछ बेस प्रोवाइड करता है एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे देख पा रहे पीछे जो भैया बैठेगा विथ पिलियन मैं टेस्ट करूँगा, फिर देखेंगे कितना क्या माइलेज आता है। सो भैया जो पीछे जैसे देख पा रहे हो बैठ चुका है। सो चलो गाइस माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो पहले गाइस हम लोग चलाएंगे थोड़ा गलियों के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी मशीन को बाय करते हो सो ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप लोग खाली सा रोड एंड हाईवे पर राइड करोगे, आप लोग गलियों के अंदर भी राइड करोगे, मतलब हर एक कंडीशन पर राइड करोगे ना। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताऊँ कि कितना क्या माइलेज ये बाइक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। सो फर्स्ट चीज़ हम लोग आए गलियों के अंदर, पहले कुछ किलोमीटर इधर पर राइड करेंगे, फिर चलेंगे गाइस रोड पर उधर पे थोड़ा हाई स्पीड पर राइड करेंगे एंड इकोनॉमी जोन पर भी राइड करेंगे, फिर देखेंगे कितना क्या प्रोवाइड कर सकता है। सो इधर पे ना गाइस एकदम ही टूटे फूटे रोड है एंड इधर पे ज़्यादा मैं स्पीड अप करके राइड नहीं कर पाऊँगा, 20-25-30 ऐसे स्पीड पर राइड करूँगा एंड गियर चेंज ब्रेकिंग ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे रोड पर। सो इसके लिए माइलेज पर गाइस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है एंड अगर आप लोग थोड़ा सा खाली सा रोड पे एक ही RPM एक ही गियर पे राइड करोगे ना उस टाइम पे गाइस बहुत ही ज़्यादा माइलेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा एंड विथ पिलियन एंड सिंगल पे उस पर भी गाइस डिफरेंस आता है माइलेज के ऊपर। सो इधर पे टेस्ट करते हैं गाइस हैंडल रेडियस आप लोगों को कैसा हैंडल रेडियस प्रोवाइड करेगा वो भी टेस्ट कर लेंगे इधर पे। सो ह्यूज मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलता है एंड पोलर स्काई ब्लू कलर जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड इधर पे N160 जो लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर के साथ है। सो ऐसा कुछ है ना रेडियस मिलता है क्योंकि ह्यूज मस्कुलर फ्यूल टैंक है ना, इसके वजह से थोड़ा सा कम है लेकिन आप लोग आराम से छोटे से जगह से टर्न कर सकते हो, लेकिन अगर और थोड़ा है ना रेडियस ज़्यादा होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन ठीक है उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं। सो मैं एकदम ही टूटे फूटे रोड पर राइड कर रहा हूँ। सो अगर सस्पेंशन की बात करूँ फ्रंट के साइड पर तो आप लोग पता ही है न्यू N160 पे USD फॉक मिलता है गोल्डन कलर टच के साथ, जैसे कि देख पा रहे हो इधर पे गोल्डन कलर है। सो फ्रंट जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड रियर पे मोनोशॉक मिलता है, रियर सस्पेंशन भी सॉफ्ट है अच्छा खासा
सो जो कुशनिंग है ना सीट का वो भी गाइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड विद पिलियन राइड कर रहा हूँ फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि रियर सीट का लेंथ भी बढ़िया है एंड कुशनिंग भी गाइस बढ़िया है। अगर आप लोग टूटे फूटे रोड पे बहुत देर से राइड करोगे ना, अच्छा खासा आप लोगों को कम्फर्ट प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि सस्पेंशन भी बढ़िया है एंड सीट कुशनिंग भी बढ़िया है। एंड अगर सीटिंग पोस्चर की बात करूँ, एकदम अपराइट सीटिंग पोस्चर है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 10% या 20% आपको सामने तरफ झुक के बैठना पड़ता है। फुट पेक्स पीछे की तरफ है, टैंक थोड़ा ह्यूज है, मस्कुलर है। हैंडल बार जो है क्लिप ऑन नहीं है, लेकिन क्लिप ऑन की तरह आप लोगों को फील देगा, कॉम्पैक्ट है, इसके वजह से 10% या 20% आप लोगों को सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है। सो 1 किलोमीटर होने ही वाला है मैंने राइड किया गलियों के अंदर। सो वैसे अभी चलते हैं थोड़ा रोड पे, थोड़ा सा पावर अप करके राइड करते हैं, क्योंकि बहुत देर से 20-25 स्पीड पे राइड हो चुका है। सो थ्रॉटल खोलते हैं। इसका डुअल चैनल एबीएस मिलता है, सो चलो गाइस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसा ब्रेकिंग बाइट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। ओ नाइस नाइस नाइस, क्या ही ब्रेक बाइट प्रोवाइड किया। फ्रंट ब्रेक का बाइट सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, रियर भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो है फ्रंट ब्रेकिंग बाइट। एंड अगर 60 से लेकर 65 स्पीड पे आप लोग कंटिन्यू क्रूज करोगे ना, उस टाइम में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब रोड को अच्छे तरीके से ग्रिप करके फिर भागता है। लेकिन जब भी आप लोग 70 क्रॉस करोगे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। एंड 5000 RPM के बाद किया ही एग्जॉस्ट नोट प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट ब्रेक का बाइट गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। आप लोग जब इस बाइक को हाई स्पीड पर राइड करोगे ना, उस टाइम पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि ब्रेकिंग बढ़िया है। एंड लो स्पीड मतलब 60 से लेकर 65 तक रोड को ग्रिप करके भागता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब भी आप लोग स्पीड अप करोगे उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। एंड 5000 RPM के बाद साउंड चेक करो, क्या ही बेस एंड थम आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। एंड इनिशियल टॉर्क ना इस बाइक का बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हर एक कस्टमर का कि हीटिंग इशू है या नहीं, क्योंकि न्यू मॉडल पे DTSI टेक्नोलॉजी हटा दिया है, देन ऑयल कूलिंग सिस्टम को भी हटा दिया है। देखो जो चेंज किया है वो बजाज कंपनी का जो इंजीनियर्स है उन लोगों ने चेंज किया, एंड इंजन के अंदर भी बदलाव हुआ है। सो उन लोगों को लगा कि इस इंजन पे ऑयल कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके वजह से आप लोगों को नया मॉडल पर ऑयल कूलिंग सिस्टम जो है देखने को नहीं मिलेगा, एयर कूल इंजन मिलता है। एंड हीटिंग इशू उतना ज़्यादा मुझे कुछ फील नहीं आया, मतलब मैं ऑलरेडी इसके पहले वाला मॉडल को भी राइड कर चुका हूँ। एंड देख पा रहे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक कंडीशन है जिधर पे उतना ज़्यादा मैं स्पीड अप करके राइड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन क्लच जो है ना गाइस बटरी स्मूथ है, बटरी स्मूथ, आप लोग एक फिंगर से भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा बटरी स्मूथ क्लच है। एंड जो गियर शिफ्टिंग है वो भी गाइस स्मूथली शिफ्ट होता है, उतना ज़्यादा हार्डनेस मुझे फील नहीं आया, स्मूथली गियर शिफ्ट होता है। एंड एन सीरीज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, पावर, ब्रेकिंग, छोटा रिस्पॉन्स एंड साउंड। एंड लास्ट जो पॉइंट होगा लुक्स, इतना ज़्यादा बढ़िया लुक आप लोग प्रोवाइड करता है ना, एंड पब्लिक रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा मिलता है। नया कलर थीम आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इस ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर जो गोल्डन कलर का सस्पेंशन गया है ना उसके वजह से बहुत ज़्यादा निखर के आता है वो कलर थीम। एंड इस मॉडल पर भी आप लोगों को टर्न बटन, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मतलब कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, वो हर एक चीज़ इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर प्रोवाइड करता है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। USB चार्जिंग पोर्ट तो गाइस पहले से आप लोगों को मिलता है, इधर पे आप लोग ऑन द गो चार्ज वगैरह कर सकते हो। स्विच असेंबली को गाइस पूरा ही चेंज कर दिया है। रोड स्टेबिलिटी हाई स्पीड पर उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इकोनॉमी जोन पर राइड करते हो उस टाइम पर गाइस दिक्कत नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर नया एक वार्निंग एड ऑन हुआ है, ये है गाइस जब इस बाइक का हेडलाइट ऑन रहेगा ना उस टाइम पे आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ये वार्निंग मिलेगा। एंड इस बाइक का जो हेडलाइट है उसको आप लोग इधर से ऑन ऑफ भी कर पाओगे। साउंड बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कुछ मिरर मिलता है इतना तक आइडर के हैंड आ रहे हैं, बाकी जो पूरा ही पीछे का व्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। साउंड देख रहे हो क्या ही बेस एंड थाम है। सो मैं अभी सिग्नल पे रुकूंगा, लेकिन बाइक को स्टार्ट ही छोड़ दिया है, मतलब स्टार्ट ऑफ नहीं किया। आप लोगों को क्या लगता है कितना का माइलेज ये बाइक प्रोवाइड कर सकता है, ज़रूर गाइस कमेंट करके बताना अभी वीडियो को पॉज करके। एंड वीडियो का लास्ट पे तो आप लोग पता चल ही जाएगा कि कितना का प्रोवाइड कर रहा है अभी।
अब ब्रेकिंग पर भाई, ब्रेकिंग पे गए सब लोग, तीनों मोड मिलता है, जैसे देख पा रोड मोड पर मैं अभी हूँ एंड रेन मोड पे सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग बाइट जो है ना एक्टिव रहता है एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा उस टाइम पे। एंड ऑफ रोडिंग मोड एयर जो एबीएस है वो एक्टिव नहीं रहता है उतना। साउंड चेक करो, भाई साहब क्लच स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, ऐसा साउंड, ओहो क्या ही मजा आ रहा है। मतलब इसके वजह से ना यंगस्टर को ये मशीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड मुझे भी गाइस पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड इस बाइक का अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, इन कोलकाता इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 171,590 ऐसा कुछ ऑन रोड प्राइस है। अगर आप लोग डेली कम्यूट करना चाहते हो, हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर राइड करोगे विद पिलियन, कुछ भी कैसे दिक्कत नहीं आएगा। एंड अगर आप लोग ज़्यादा हाईवे पर राइड करोगे सो मैं उस टाइम पे रिकमेंड करूँगा आप लोग इन 250 को बाई करो, क्योंकि उससे पावर भी ज़्यादा मिलेगा, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस भी है एंड माइलेज थोड़ा कम आएगा एंड मेंटेनेंस थोड़ा हाई होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। सो बाइक जो है गाइस लैग कर रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है भाई। चल चल और थोड़ा चल, थोड़ा लैग कर रहा है, देखते और कितना कैमरा चल पाएगा। सिग्नल पे बंद मत हो एंड इधर पे ट्रिप पे दिखा रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ट्रिप बी पे दिखा रहा है -0.36 का। सो ये थोड़ा गलत दिखाता है बीच बीच में, कभी कभी सही भी दिखा देता है। यस गाइस लैग कर रहा है, चल चल और थोड़ा चल, लैग कर रहा है। अब देखते हैं कितना चलता है। सो फाइनली गाइस बाइक जो है वो बंद हो चुका है एंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, टैंक जो है पूरा खाली है। सो गाइस टैंक को मैंने इधर पे पूरा कर लिया खाली एंड देख पा रहे हो। एंड पहले मैं गाइस आप लोगों को ओडोमीटर दिखा दे रहा हूँ, ओडोमीटर जो है 5 किलोमीटर चला है एंड ट्रिप भी चला है गाइस 4.3, मतलब 43 का माइलेज दिया है। इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप लोग न्यू बजाज पल्सर N160 को बाई करते हो फास्ट सर्विस के पहले, मतलब फास्ट सर्विस के बाद फ्रंट व्हील रियर व्हील वगैरह थोड़ा फ्री हो जाता है, डिस्क ब्रेक जो है वो थोड़ा फ्री होता है, चेन एडजस्टमेंट हो जाता है, सो उस टाइम पे गाइस आप लोग 45 का एवरेज पकड़ के चल सकते हो, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप लोग अच्छी तरीके से इकोनॉमी जोन पर राइड करोगे। मैंने विथ पिलियन राइड किया गलियों के अंदर, देन हाई स्पीड पर भी राइड किया एंड बहुत लोग क्वेश्चन करते हो क्यों मैं 100 ml पेट्रोल में माइलेज टेस्ट करता हूँ। देखो 1 लीटर पेट्रोल पे जो माइलेज आएगा 100 ml पेट्रोल पे वही माइलेज आएगा, सो आप लोगों के लिए भी कैलकुलेट करना आसानी हो जाता है, मेरे लिए भी आसानी हो जाता है, इसके लिए 100 ml पेट्रोल पे मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ। सो 43 का माइलेज अभी दिया है, अगर आप लोग फास्ट सर्विस वगैरह कर ले तो उस टाइम पे आप लोगों को और भी ज़्यादा माइलेज दे सकता है। सो बस यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना, अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरीज जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो बाय।